आज मैं खड़ा हूँ एक चेक एसयूवी के सामने, जो कि अगर इसके कंपटीशन की बात करें तो इसका कंपटीशन एक तो इसका फॉर्च्यूनर से बनता है, ग्लॉस्टर से बनता है, बीएमडब्ल्यू की X1 और ऑडी Q3 से इसका कंपैरिजन बनता है। अगर बात करें इसके प्लेटफॉर्म की, तो कार बेस्ड है फोक्सवैगन ऑडी ग्रुप के MQB A0 प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, और ये CKD यूनिट बाहर से बन के आती है, जिसको CBU भी लोग कहते हैं। हालांकि CBU में CKD में बहुत फर्क होता है। CBU स्टैंड फॉर कंप्लीट बिल्ट यूनिट और CKD स्टैंड फॉर कंप्लीट नॉकडाउन यूनिट। तो ये CBU यूनिट बाहर से बन के आती है चेक रिपब्लिक से अगर मैं बात करूँ, ठीक है। और अगर आपको इस गाड़ी को अपना बनाना है तो भाई सब कीमत से पहले एक इंट्रो दे देता हूँ अपना। सो हेलो एवरीवन, एंड आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑन फोर व्हील्स, यानी जिंदगी चार पहियों पे। तो आज मैं आपको जो चेक एसयूवी दिखा रही है हमारी स्कोडा की तरफ से आती है, और ये स्कोडा की है, हमारे स्कोडा की तरफ से आने वाली ये हमारी कोडियाक। अगर कोडियाक को अपना, अगर आपको अपना बनाना है तो मैं आपको बता दूं इस गाड़ी में आपको 3 वेरिएंट मिलते थे। स्कोडा ने इसमें 3 वेरिएंट दिए, जो कि एक अच्छी चीज़ है, जिससे कोई भी बायर होगा उसके पास एक चॉइस रहती है कि भाई मैं कोई भी वेरिएंट अपनी मर्जी से चूज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो इसका एक बेस वेरिएंट आता है स्टाइल, और फिर इसका आता है स्पोर्ट लाइन। तो मैं आज आपको स्पोर्ट लाइन दिखा रहा हूँ, उसके ऊपर एक आता है LNK। अब स्पोर्ट लाइन एक ऐसा वेरिएंट है ना, जो कि अगर आपको थोड़ा मतलब लग्जरीनेस से ज्यादा आपको स्पोर्टीनेस थोड़ी पसंद है, और आपको कोडियाक जैसी एक अच्छी खासी SUV चाहिए जिसमें आपको थोड़ा स्पोर्टी टच मिले, तो मेरे ख्याल से स्पोर्ट लाइन आपके लिए बहुत सही रहेगा। अगर आपको स्पोर्ट लाइन वेरिएंट को अपना बनाना है तो सबसे पहले इसकी एक्स शोरूम कीमत की बात कर लेते हैं। जिसकी एक्स शोरूम कीमत है वो 39.39 लाख है, और अगर ऑन रोड दिल्ली की बात करें तो 44.7 लाख आपको एक कार ऑन रोड पड़ जाएगी। तो भाई देखो, फॉर्च्यूनर से आपको 6 लाख रुपए सस्ते में मिल रहा है। हालांकि फॉर्च्यूनर का अगर आपको बताऊं तो मेरे ख्याल से पेट्रोल में बेस वेरिएंट आ जाएगा, और हो सकता है डीजल में भी इसका 4x2 आ जाए, तो मैं श्योर नहीं, एक बार मैं आपको चेक करके बता दूं। तो इस प्राइस रेंज में आपको फॉर्च्यूनर को छोड़ के ये लेनी चाहिए, यानी तो उसकी बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दी, कार आपकी सिर्फ पेट्रोल में अवेलेबल है, कार आपको डीजल में नहीं मिलती। हालांकि एक चीज बताऊं, जिसका जो इंजन है ना, आपको डीजल इंजन की नीड फील ही नहीं होगी। भाई इतना पावरफुल इंजन है, मैं आपको बहुत सारी गाड़ी में दिखाया भी है। एक मैंने आपको उसका सुपर में दिखाया था, ठीक है जी, और आपको इसमें टिगवान में भी दिखाया था, जो कि एक फोक्सवैगन और इसका काउंटर पार्ट है, और टिगवान में मैंने आपको दिखाया था, ठीक है जी। तो एक बार इसके बोनट को खोलते और इसके इंजन का दर्शन कराते हैं आपको, एक सेकंड। तो जी ये है इसका 2 लीटर TSI इंजन है, जैसे कि आप देख भी सकते हो, जो कि इनलाइन 4 4-सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, जो कि अगर पावर की बात करें 187 bhp और 320 Nm ऑफ टॉर्क मिल जाता है। अगर फ्यूल एफिशिएंसी की बात करेंगे भाई, आप बिलीव नहीं करोगे, एक कंपनी जो क्लेम करती है 12 kmpl की क्लेम करते हुए, आप सोच लो अगर कंपनी 12 की क्लेम कर रही है, अगर 3 भी हम माइनस कर दो तो भाई आपको 9 की मिल रहा है। मेरे ख्याल से अगर आप इतना प्राइस स्पेंड कर रहे हो, अगर आप इतने पैसे लगा रहे हो, तो मेरे ख्याल से माइलेज को माइंड नहीं करोगे। लेकिन एक चीज बताऊं, रियल लाइफ में मैंने सुना है इंजन ना माइलेज अच्छी निकाल देता है, अगर आप उसको प्यार से चलाओगे ना तो माइलेज भी अच्छी निकाल देगा। तो भाई इस प्राइस रेंज में आपको एक अच्छी खासी फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको इस कार में मिल जाती है, बोनेट पे आपको इंसुलेशन वगैरह मिल जाती है। हालांकि एक चीज बताऊं, इंजन थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट में लाउड है, लेकिन उसके बाद ना अच्छा खासा साइलेंट ही हो जाता, तो उसके बाद आपको मेरे ख्याल से इंसुलेशन की नीड होनी चाहिए। और बहुत भारी बोनट है सच बताऊं तो। और बात करें सामने में आपको क्या क्या एलिमेंट्स मिलते, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक स्कोडा का लोगो मिल जाता है, जैसे कि आप देख भी सकते हो, स्कोडा की एक सिग्नेचर ग्रिल मिल जाती है। अगर आप LNK लोगे तो LNK में यहाँ पर आपको क्रोम मिलेगा, थोड़े से क्रोम एक्सेंट्स आपको बीच में भी मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इस स्पोर्ट लाइन में तो यहाँ पर आपको इसमें पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगी, ठीक है जी। और अगर बात करें हेडलाइट सेटअप की, तो भाई यहाँ पर आपको इसको कुछ ऐसा हेडलाइट सेटअप मिलता है, जो कि अगेन मैं बोलूंगा जो VW की जो टिगवान आती है ना, उससे बहुत ज्यादा इसकी लाइट टेक्नोलॉजी डिराइव है, क्योंकि जो IQ लाइट्स में क्या होता है ना, वो वेदर के हिसाब से अडाप्ट कर लेती है। तो सेम चीज इसमें भी अपने हिसाब से ना वेदर के हिसाब से अडाप्ट कर लेती है खुद को। ये आपके लो बीम के लिए आपको प्रोजेक्टर LED मिल जाती है, और हाई बीम के लिए आपको एक प्रोजेक्टर LED मिल जाती है। ये आपको बायफंक्शनल इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं, जो कि एज ए DRL भी फंक्शन करते हैं। यहाँ पर आपको इसका एक हेडलाइट वॉशर मिल जाता है, और यहाँ पर आपको इसका एक फॉग लैंप भी मिल जाता है, जो कि अगेन LED है, जो कि मैं एक बोलूंगा यार ये हैलोजन होता तो थोड़ा बेटर एक चीज़ है। हालांकि प्रीमियमनेस के हिसाब से थोड़ी सही चीज़ है, लेकिन अगर होता तो थोड़ी सी और एक बेटर चीज़ होती। इस कार में आपको 6 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं, तो एक इधर आपको मिलता है, जो एक चीज़ इसकी पुशनिंग बड़ी अच्छी है। अगर कोई पोल वगैरह होगा ना, जो कि आपको नहीं दिखेगा इतनी ऊंचे बैठने के बाद, वो एक थोड़ी सी सही चीज़ है, आपकी इतनी महंगी गाड़ी पर स्क्रैच नहीं लेते। दूसरा इधर आपको मिल जाता है, तीसरा और चौथा कहाँ है, यार चौथा और पांच, एक सेकंड, कितने, 1 2 3 4 5 6 है भाई, तो एक इधर रह गया था, ठीक है, तो एक बार कंफर्मेशन भी हो, ठीक है जी। और अगर बात करें तो भाई सामने से इसके कुछ ऐसी लुक है, अब एक चीज़ वो सुपर लुक से, जैसे स्कोडा के पहले सुपर आती है, तो भाई इस गाड़ी की भी लुक ना भाई मेरे को कोई कमी नहीं लगी, 44 लाख में इस गाड़ी की लुक भी आपको बहुत बढ़िया मिल जाती है, ठीक है जी। और अगर बात करें इस कार की विड्थ की, तो 182 mm की आपको इस कार की विड्थ मिल जाती है। और अगर हाइट की बात करें
तो 1685 mm की आपको इस कार की हाइट मिल जाती है, जैसे कि आप देख भी सकते हो अच्छी खासी ऊंची कार भी आपको मिल जाती है और भी लंबी भी बहुत है। तो ये इसकी जो लेंथ है 4699 mm की आपको इस कार की लेंथ भी मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, ग्राउंड क्लियरेंस में भी कोई कमी नहीं छोड़ी, तो फॉर्च्यूनर से थोड़ा कम है, लेकिन हार्ड कोर ऑफ रोडिंग ना स्कोड ओनर्स करते नहीं है। हालांकि अगर आपको फिर भी जाना है तो वह देख सकते हैं 192 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं कि आपकी गाड़ी बड़े बड़े ब्रेकर्स और पोर्टल्स पर टकरा जाएगी, ऐसी कोई जरूरत नहीं। आप इस गाड़ी को इजीली बड़े बड़े ब्रेकर्स और पोर्टल्स से निकाल सकते हैं। आप थोड़ा सा रनिंग बोर्ड नीचे, लेकिन इतना कोई इशू नहीं होना चाहिए, हमारा ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा खासा ऊंचा है। बात करें और चीज़ों की साइड में, तो साइड में यहाँ पर आपको इसका कुछ ऐसा ओआरवी मिल जाता है, जो कि अगेन सेम शेप आपको स्लाविया में मिलती है, कुशाक में मिलती है, रैपिड और रैपिड पोलो विंटो सब में ऐसी ही मिलती थी। दो थोड़ा सा मेरे को बड़ा लग रहा, सुपर में भी आपको सेम ऐसी मिलती थी। ये पियानो ब्लैक फिनिश में आपको मिलता है और इसी पर आपको एक एलईडी इंडिकेटर भी मिल जाता है, जो कि आपको बता दिया ओवर में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल ऑटो फोल्डिंग में आपको ये मिल जाता है। और यहाँ पर आपको कोई पेडल लैंप, यहाँ पर आपको एक पेडल लैंप भी मिल जाता है, जैसे देख सकते हो कोई कैमरा वगैरह आपको नहीं मिलता है। और यहाँ पर आपको इसमें फेंडर की बात करते हैं, स्पोर्ट लाइन की बैजिंग भी मिल जाती है, क्योंकि इसका स्पोर्ट लाइन वेरियंट है। अगर आप एल एन के लोगे तो वहाँ पर आपको लॉरेन कैलेंड लिखा होगा, जो कि इनके फाउंडर्स का नाम है, ठीक है, जो कि जिसको एल एन के वेरियंट भी कहते हैं। बात करें टायर्स की, तो बट अलॉयज का डिजाइन मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को कोई कमी नहीं लगी। हालांकि एक चीज़ होता है, सेगमेंट में किसी भी गाड़ी के अलॉयज ऐसे नहीं जो कि मेरे को गंदे लगे, सबके अलॉयज मेरे को अच्छे लगते हैं। जो टिगवान का मैं कहूँगा, हालांकि टिगवान इस सेगमेंट में लाई नहीं करती, टिगवान हमारे जीप कंपस वाले सेगमेंट में लाई करती है, लेकिन अगर उससे बेटर अलॉयज पे काम किया स्कोडा ने, तो मैं यहाँ पर स्कोडा को एक अच्छी चीज़ है स्कोडा की ना। 235/55 R18 18 inches के आपको इसमें अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, वहाँ पर आपको इसकी टायर प्रोफाइल मिल जाती है। 18 inches के आपको इसमें डायमंड कट अलॉयज मिलते हैं। ब्रेकिंग की बात करें, इसमें आपको फ्रंट में डिस्क, भाई डिस्क भी बहुत बड़ी है, और रेयर में आपको इसमें डिस्क ब्रेक मिल जाती है। आप जैसे देख सकते हो, अगर मैं आपको थोड़ा सा करीब जाके देखूँ तो आप ये देख सकते हो, ठीक है जी, यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक मिलती है। और अगर बात करें विंडो लाइनिंग पर, कोई क्रोम वगैरह, तो क्रोम वगैरह आपको नहीं मिलता है, मेरे ख्याल से एल एन के पे मिलता है। अगर एल एन के पे मिलता होगा तो मैं आपको दिखा दूँगा, लेकिन स्पोर्ट लाइन में पर्टिकुलर ब्रांड में आपको नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिल जाता है, आप जैसे देख सकते हो ना। अगर मैं पन्नी हटा नहीं सकता कि डीलरशिप की गाड़ी है, अगर मेरी होती तो मैं तो हटा भी देता, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको पिलर पर हल्का सा पियानो ब्लैक फिनिश भी मिलता है। ऊपर आपको रूफ रेल्स मिल जाती है, ऊपर आपको एक सनरूफ भी मिल जाती है। कोई डुअल टोन ट्रीटमेंट नहीं मिलता, हालांकि आप डुअल टोन ट्रीटमेंट बाहर से भी करा सकते हो, लेकिन वो एक चीज़ बता, अगर आप, मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार ना इसकी रूफ ब्लैक करा लेना, वो बहुत अमेजिंग लगेगी। और ग्लासेस भी ना आपको थोड़ा सा यूवी टिंट, ग्रीन टिंट मिल जाते हैं, जो इनको यूवी कट ग्लासेस कहते हैं, जिससे आपकी गाड़ी में धूप से कम एंटर हो। बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको इसकी एक फ्यूल फिलर कैप भी मिल जाती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें, 50 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इस कार में मिल जाती है, और मिनिमम 95 ऑक्टेन का आपको इस कार में फ्यूल डलवाना है। इतनी इसकी खुराक, इससे कम आप इसमें नहीं डलवा सकते। और चीज़ों की बात करें पीछे की तरफ, तो भी पीछे से इस कार के कुछ ऐसे लोग आप देख सकते हैं। जो जो लाइट्स मैं कहूँगा, मेरे को बहुत ज़्यादा सुपर से सिमिलर लगी, मेरे को लग रही है सुपर वाली लाइट्स, अगर ऐसे है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। यहाँ पर आपको इसकी एलईडी टेल लाइट मिल जाती है, जो कि भाई जलती हुई बहुत प्यारी लगती है। यहाँ पर आपको इसमें डायनेमिक इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको इसके रिवर्स लाइट्स मिल जाती है। पूरा का पूरा एलईडी सेटअप है, कुछ भी आपको हैलोजन नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको इसमें इसका एक रेयर वाइपर, डिफॉगर, हाई स्टॉप लैम्प और पियानो ब्लैक फिनिश में आपको एक इसमें स्पॉइलर भी मिल जाता है। और यहाँ पर आपको इसमें स्कोडा का लोगो नहीं, लेकिन स्कोडा स्पेस देके लिखा हुआ है, जो कि अगेन मैंने सुपर में भी देखा था, भी बहुत प्यारा लगता है। इनके सारी की सारी गाड़ियों में आता है, नहीं ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रीमियम गाड़ियों में आता हो, वही सारी की सारी गाड़ियों में आता है। और यहाँ पर आपको इसमें 4x4 की बैजिंग मिल जाती है। इसमें आपको डायनेमिक चेसी कंट्रोल भी मिल जाता है, वो हो गया, मैं आपको एक बार अंदर चल के बताऊंगा। इनके कोई 4x4 सिस्टम को पर्टिकुलर नाम नहीं, जैसे VW का फोर मोशन हो गया, ऑडी का क्वाट्रो हो गया, BMW का एक्स ड्राइव हो गया, तो ऐसे कोई नाम नहीं है, उन्होंने बस 4x4 लिखा है। यहाँ पर आपको कोडियाक की बैजिंग भी मिल जाती है, आप जैसे देख सकते हो। और यहाँ पर आपको जैसे सिमिलर हमने कुशाक में देखा था, हालांकि कुशाक भी कोडियाक से इंस्पायर्ड हो गया, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको ब्लैक मैट ब्लैक ट्रीटमेंट मिलता है, जो कि ना एक चीज़ होता है, इसके बिना थोड़ी गाड़ी फीकी लगी, लेकिन ये डी है यहाँ पर दिया तो भाई बड़ी अच्छी भी लग रही है इसके लोग। और बात करें तो भाई यहाँ पर आपको अगेन 6 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं, जिनके प्लेसमेंट में अगेन कहूँगा भाई बहुत सही दिए। एक तो इधर ही आपको मिलता है, दूसरा इधर आपको मिलता है, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ठीक है जी। और यहाँ पर आपको इसमें टोइंग हुक भी मिल जाता है, अगर ऑफ रोडिंग करते समय आपकी गाड़ी फंस जाती है तो आप इसको आराम से निकल भी सकते हैं, ठीक है जी। और अगर बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्रोम में डिफ्यूजर जैसा ट्रीटमेंट भी मिल जाता है, आप जैसे देख सकते हो, जो कि आपको ये फेक है, लेकिन भाई इसमें जो दो एग्जॉस्ट मिलते हैं ये फेक नहीं है, ये आपको प्रॉपर दो एग्जॉस्ट इसमें मिलते हैं, एक यहाँ पर आपको मिलता है, दूसरा इधर आपको मिलता है। और आपको बता देता हूँ, इसमें आपको एक रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है, ठीक है जी। अभी स्कोडा की प्रीमियम गाड़ी, तो स्कोडा में इसमें सुपर में आपको दिखाया था भाई फीचर भर के, तो भाई इसमें भी सेम वही चीज अप्लाई होती है, फीचर भी इसमें आपको भर के मिल जाते हैं। लाइसेंस प्लेट्स की लाइट आपको इसमें एलईडी मिलती है, इसलिए अगर ऊपर आपको एक शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है, जो कि मेरे से छुट गया था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और बात करें अब इसके बूट स्पेस की, तो मैं एक बार आपको इसका बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ।
स्कोडा कोडियाक हमारी एक सेवन सीटर एसयूवी। तो अगर सेवन सीटर्स में इन जनरल देखें ना, अगर मैं फॉर्चुनर को छोड़ दूँ, ग्लोस्टर को छोड़ दूँ, भाई एसयूवीज में ना बूट स्पेस की प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसमें ना आराम से तीन सूट के तीन नहीं एटलीस्ट दो सूट के ऐसे खड़े करके डाल सकते हो, और ऊपर नीचे करके तो वैसे चार डाल सकते हो। यहाँ पर आपको इसके फर्स्ट एड किट के लिए डेडिकेटेड स्पेस मिल जाता है, तो देख सकते हैं यहाँ पर आप फर्स्ट एड किट वगैरह अपनी रख सकते हैं। और यहाँ पर आपको इसमें टूल किट वगैरह मिल जाती है, जो कि बड़ी नीटली प्लेस की हुई। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर आपको इसका पाना जैक वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है। मैं एक बार आपको बता दूँ, ठीक है। और अगर आपको इनको फोल्ड करना है तो आप इनको ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं। अगर फोल्ड करने के बाद आपको बताऊँ ना, तो इसमें करीब करीब 2000 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाता है। आप जैसे देख सकते हैं इनको ऐसे ना फोल्ड कर सकते हो। अगर आप फोल्ड कर दोगे तो भाई देखो इसमें आपको 2007 लीटर्स का इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाता है। तो भाई आप सोच लो भाई माफियाज के लिए बड़ी अच्छी है, माफियाज के लिए क्यों अच्छी है भाई, आप बिल्कुल समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हालांकि उस चीज़ को छोड़ दो भाई, पूरा घर इसमें आप डाल सकते हो, इतना अच्छा खासा बूट स्पेस इसमें आपको मिल जाता है। अगर आपको बूट को बंद करना इलेक्ट्रॉनिक के लिए आप थोड़े आलसी हो मेरी तरह, तो आप इसको ऐसे भी बंद कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये बात हो गई स्कोडा कोडियाक की बाहर से। अब एक बार चलते हैं इसके रेयर सीट्स में। तो पहले सेकंड डोर से स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मैं आपको इसका डोर कार्ड दिखा देता हूँ। तो भाई इसका कुछ ऐसा डोर कार्ड है, आप जैसे देख सकते हो, जो कि स्पोर्ट लाइन में और एलएनकी में आपको ऑब्वियसली बात अलग मिलेगा। स्टाइल मैंने वेरियंट देखा नहीं है, अगर आप में से कोई ओन करते हैं, आपने जैसे किसी दिखाया तो आप मेरे को जरूर कर देना, वो कैसा लगता है। अगर बात करो भाई लुक की, तो भाई लुक में मेरे को एलएनके से और इससे कंपेयर करूँ ना, मेरे को कोई कमी नहीं लगी भाई। बल्कि एक चीज़ एलएनके से मेरे को थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा है। ये एक चीज़ बताऊँ, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस ना ऑल ब्लैक की रहती है, कि ऑल ब्लैक गंदा जल्दी नहीं होता, और अब ऑल मेरे को ना ब्लैक थोड़ा स्पोर्टीनेस भी देता है, उस वजह से थोड़ा मैं स्पोर्टीनेस की तरफ थोड़ा इंक्लाइंड ज्यादा रहता हूँ। उस वजह से भी मैं भी अगर इस चीज़ तो मैं स्पोर्ट लाइन ही प्रेफर करूंगा अगर मैं कोडिया कर लूंगा भगवान की दया से कभी। यहाँ पर आपको उसका डोर ओपनर मिल जाता है, जैसे देख सकते हो, जो कि आपको एक क्रोम फिनिश में मिलता है, थोड़ा सा कार्बन फाइबर जैसा आपको फिनिश मिलता है, आप जैसे देख सकते हो, ठीक है जी। यहाँ पर आपको इसमें आपको पावर विंडो का एक स्विच मिल जाता है, जो कि आपको इसमें आपको सारे के सारे विंडोज में ऑटो अप डाउन का फीचर मिल जाता है। डोर पकड़ने के लिए हैंडल आपको कपड़े की फिनिश मिल जाती है, जो कि भी प्रीमियम उसको बहुत ज़्यादा ऐड कर रही है। लेदर फिनिश आपको एक मिलती है, और यहाँ पर आपको इसमें बॉटल होल्डर मिल जाती है, इसमें आपको अगेन एक कपड़े की फिनिश मिल जाती है, ताकि बॉटल रैटल ना करे। अगर आप देख सकते हो तो कपड़ा है यहाँ पर, तो बॉटल रैटल ना करे आपके गड्ढे वगैरह में, और गड्ढे हमारे इंडिया में बहुत है भाई, ठीक है। और यहाँ पर आपको इसका स्पीकर मिल जाता है, आपको तो इसमें आपको कैंटीन का स्पीकर सिस्टम मिलता है। सिस्टम कैसे, अब बात करते हैं अंदर चल के। तो भाई अंदर चल के मैं आ चुका हूँ कोडियाक के रेयर सीट्स में आ चुका, जैसे आप देख भी सकते हो। अगर बात करें लेग रूम की, तो भाई लेग रूम भाई अच्छा खासा है, कोई कमी नहीं लगी मेरे को। हेड रूम की बात करो, हेड रूम में भी कोई कमी नहीं, हेड रूम इज ऑल्सो गुड। तो थोड़ा सा सनरूफ की वजह से कम है, लेकिन एक चीज तो फॉर्च्यूनर से मेरे को थोड़ा बेटर लग रहा है, क्योंकि एक चीज उस गाड़ी की हाइट भी ऊंची, फिर भी ना मेरे को उससे कम उससे ज्यादा लग रहा है इसमें। अगर मैं हेड रूम की बात करूँ ना, सीट के कम्फर्ट की बात करें, एड एंड भाई बहुत अच्छा है, अंडर था सपोर्ट थोड़ा सा कम है, फॉर्चुनर से एटलीस्ट मैं कहूंगा बेटर की फॉर्चुनर में एकदम अपराइट बैठ जाता है, और ये सीट्स ना एकदम मेन पोजीशन पे, तो उस वजह से ना इसमें कंफर्ट अच्छा खासा मेरे को फील हो रहा है। फैब्रिक सिमिलर रेट सीट्स आपको इस कार में मिल जाती है, विद वाइट स्टिचिंग आपको मिलती है, और यहाँ पर आपको इसमें दो कप होल्डर्स भी मिल जाता है, और आपको इसमें आमरेस भी मिल जाता है। एक छोटा सा सजेशन है मेरे को स्कोडा के लिए, कि यार ये रेड दे देते हैं, थोड़ा सा बेटर चीज़ होती है, कि स्पोर्ट लाइन है, स्पोर्टीनेस वो चीज़ होनी चाहिए थी। यहाँ पर आपको इसमें थ्री एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं, आप जैसे देख सकते हो, और यहाँ पर ना आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ मिल जाती है, अगर आप पावर नैप लेना चाहते हैं तो आप मेरी तरह ऐसे करके सो सकते हो। मैं नहीं सो रहा अभी, वीडियो बनानी है भाई आप लोगों के लिए, आप बोलोगे वीडियो में बताते बताते सो गया। और यहाँ पर आपको इसके कैबिन लाइट मिल जाती है, जो कि एलईडी है, लेकिन गाड़ी की बैटरी हो सकता है लो है, उस वजह से ऑन ना हो रही है। मैं एक बार आपको इग्निशन पे करके दिखा दूंगा। एक ग्रैब हैंडल आपको मिल जाता है, ग्रैब हैंडल आपको सभी के लिए मिल जाता है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की गई है। और आपको एक चीज बताओ, जो हेडलाइनर का जो मटेरियल और टेक्सचर यूज किया गया ना भाई, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा लगता है। पता नहीं सारी कंपनियों को तो मैं कहता हूँ यही वाला यूज किया करो, बड़ा अच्छा लगता है। और एक पैनोरामिक सनरूफ भी आपको इसमें मिल जाती है, जो कि थोड़ी सी टिंटेड है, ताकि आपकी गाड़ी में धूप कम से कम एंटर हो, और क्योंकि ताकि आपकी गाड़ी में गर्मी ज्यादा ना हो। और बात करें अगर इसके थर्ड रो की स्पेस की, तो एक बार थर्ड रो में भी आपको दिखा देता हूँ। और हाँ, यहाँ पर आपको इसमें इसके सनशेड भी मिल जाते हैं, जो कि आपको कंपनी से इलीगल नहीं है, अगर आप अलग से चिपका दो तो वो इलीगल है, ठीक है जी। तो एक बार मैं आपको इसका थर्ड रो का स्पेस भी दिखाया था, एक सेकंड रुकना। अगर आपको स्कोडा कोडियाक में इनग्रेस और आउटग्रेस करना है, थर्ड रो को एक्सेस करना है, तो भाई आपको ये थ्रेड थोड़ी सी पुल करनी पड़ेगी, और यहाँ पर आपको थोड़ी सी सीट आगे भी करनी पड़ेगी, ताकि आपकी ना ये यहाँ से आप इसको आगे कर सकते हो। अब जैसे देख सकते हो थोड़ी सी सीट मैंने आगे की है, तो मैं वहाँ पर आपको बैठ के दिखाऊंगा ये कंफर्ट वगैरह कैसा है। हालांकि देख के लग नहीं रहा इतना कंफर्ट होगा। तो जी मैं आ गया हूँ कोडियाक की थर्ड रो की सीट्स में। भाई बहुत ज़्यादा क्रैम्ड है, अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, तो भाई ये देखो यार बहुत ज़्यादा क्रैम्ड है। हेडरूम भी भाई बिल्कुल नहीं है, आप देख सकते हो कुछ बिल्कुल। आप मतलब अगर मैं आपको, तो मेरी हाइट 5 फुट 9 इंचेस है,
मेरे ऊपर के तो बैठ सिक्स फुटर तो बैठ ही नहीं पाएगा सच में, तो कोई सिक्स फुटर बैठ ही नहीं पाएगा। तो मैं आपको कहूँगा ये बेस्ट सीट है बच्चों के लिए, बच्चों को इधर बैठाओ तो कोई इशू नहीं आएगा। हालांकि एक चीज़ को तो जो स्कोडर कोडिया की सी गाड़ी लेते हैं ना, तो उनके बच्चे वगैरह रहते हैं ना, वो बच्चों की पीछे उठा दे, मतलब आगे पूरी फैमिली बैठ गए, पीछे बैठ गए लोग, बड़ी अच्छे खासे रोड ट्रिप पे जा रहे, तो बच्चों के लिए बेस्ट सीट है। अडल्ट को आप इधर ना बैठाओ तो ज़्यादा सही रहेगा भाई, वो गालियाँ ही देगा आपको। कप होल्डर आपको एक मिल जाता है, और यहाँ पर आपको छोटी मोटी चीज़ रखने का स्पेस मिल जाता है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी आपको मिल जाता है, ताकि आप या तो फोन चार्ज कर सकते हो या तो अपना टायर इन्फ्लेटर यूज़ कर सको। यहाँ पर आपको थोड़े से हुक वगैरह भी मिल जाते हैं कुछ वगैरह टांगने के लिए, और यहाँ पर आपको इसमें लाइट भी मिल जाती है, आप जैसे देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको इसमें सीट बेल्ट भी मिल जाती है, पीछे जो थर्ड रो में जो बच्चे वगैरह बैठेंगे, कोई पैसेंजर बैठेंगे, उनके लिए आपको ये सब मिल जाता है। और यहाँ पर आपको भूत के लिए हुक भी मिल जाता है, जैसे देख सकते हैं। तो जी ये बात हो गई कोडियाक के थर्ड रो की। अब मेन आते हैं बिजनेस एंड पे, बिजनेस एंड हमारा फर्स्ट रो यानी आगे की फ्रंट सीट्स की बात मैं कर रहा हूँ। फिर पहले को पैसेंजर सीट में जाने से पहले आपको एक चीज़ बताऊँ, इसका इंग्रेस आउटग्रेस करने में मेरी जिम, मेरे जिम का हो गया, तो अगर आपको जिम में पैसे बर्बाद नहीं करने तो कोडिया के थर्ड रो की सीट्स रोज एक्सेस करते रहो, आपको जिम भी हो जाएगा। ऐसे एक चीज़ बताऊँ भाई, नो ऑफेंस, इनोवा के थर्ड रो का इंग्रेस आउटग्रेस सबसे अच्छा है। और बात करें इधर की, तो भाई यहाँ पर भी आपको तीन मेमोरी सीट्स भी मिल जाती है, अब तीन बंदों के लिए मेमोरी भी सेट कर सकते हो। को ड्राइवर सीट के लिए भाई देखो, और यहाँ पर आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट भी मिल जाता है, लंबर सपोर्ट भी आपको इस कार में मिल जाता है। और बात करें ड्राइवर सीट की, तो भाई आप ड्राइवर सीट पर चलते हैं मेन, ठीक है, जो कि स्कोडा और फोक्सवैगन की गाड़ी में बड़ा मेन सा रहता है, कि इन गाड़ियों को भगाने में बड़ा मजा आता है, सही बताऊँ तो। ये है जी स्कोडा कोडियाक का ड्राइवर साइड का डोर कार्ड, तो आप जैसे देख सकते हो अगेन ये ऑल ब्लैक के, कोई भी आपको ब्लेज वगैरह ट्रीटमेंट नहीं मिलता एल एन की तरह, अगर आपको नहीं दिख रहा तो भाई ऐसे आपको दिख जाएगा, ठीक है जी। अगर बात करते हैं यहाँ पर आपको एक ट्विटर मिल जाता है, नहीं ट्विटर नहीं है, थोड़ा सा फेक यहाँ पर किया हुआ है। यहाँ पर आपको कैंटीन की बैजिंग मिल जाती है, एक डोर ओपनर आपको क्रोम में मिल जाता है, कार्बन फाइबर जैसे फिनिश अगेन आपको मिल जाती है, एक एम्बियंट लाइटिंग भी आपको मिल जाती है, लेकिन एम्बियंट लाइटिंग जली नहीं, मेरे को पता नहीं क्यों, लेकिन इसमें आपको एम्बियंट लाइटिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको कुछ कैसे कपड़े की फिनिश भी मिल जाती है, अलॉन्ग विद व्हाइट स्टिचिंग आपको मिल जाती है, लेदर की फिनिश मिल जाती है, इस पर भी आपको व्हाइट स्टिचिंग मिल जाती है। और यहाँ पर आपको इसमें चारों पावर विंडो, जिसमें आपको सबके लिए टॉप डाउन का फीचर मिल जाता है। और यहाँ पर आपको इसमें रियर पावर विंडोज को अगर आपको लॉक करना है तो वो भी आप कर सकते हो, अगर आपके पीछे बच्चे बैठे हैं सेकंड रो में, आप चाहते हो कि बार बार मुंह ना निकाले तो आप वो भी कर सकते हो। और यहाँ पर आपको इसमें ओवरबीम का कंट्रोल भी मिल जाता है, इसमें आपको बताया इसमें आपको फोल्डेबल मिल जाते हैं, साथ ही इसमें आपको हीटेड भी मिल जाते हैं, जैसे बारिश में क्या होता है ना, ओवरबीम से पानी की वजह से थोड़ा मॉइस्ट जम जाता है, तो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसी हीटेड फंक्शन को ऑन करो, आपकी सारी की सारी फॉग हट जाएगी। फॉर्चुनर में एटलीस्ट ये वाला दे देते ना टोयोटा, तो थोड़ी सी सही चीज़ होती है। हालांकि एक चीज़ बताऊँ, अगर आप टोयोटा फॉर्चुनर को कंपेयर करो ना, मैं तो बोलूँगा भाई अगर आपको डीजल रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं तो आपको बोलूँगा आप इसी पे चलो जाओ। हालांकि अगर आपको माइलेज से भी इतना नहीं है तो माइलेज भी अच्छी खासी ये गाड़ी आपको दे देती है, आपको कोई इशू आएगा नहीं। एक ट्विटर आपको इसमें मिल जाता है, और अराउंड इसके क्रोम भी आपको मिल जाते हैं। अगर आप अंदर बैठे बैठे बूट खोलना चाहते हो, पीछे से कोई कह रहा है कि यार बूट खोल दो, आप तो यहाँ से उसका बूट भी खोल सकते हो। और यहाँ पर आपको इसमें एक स्पीकर मिल जाता है अगेन कैंटीन का जो है, और यहाँ पर आपको डोर कार्ड में कपड़े की अगेन फिनिश मिल जाती है, ताकि आपकी बॉटल गड्ढों में रैटल ना करे। बात करें और चीज़ों की, तो यहाँ पर आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट मिल जाती है ड्राइवर के लिए भी, तीन मेमोरी फंक्शन मेमोरी तीन बंदों के लिए मेमोरी भी सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको इसमें लंबर सपोर्ट भी मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको उसका एक हेडलाइट का स्विच मिल जाता है, इसमें आपको इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट्स भी मिल जाती हैं, ऐसे अपना अडाप्टिव लाइट्स को बंद भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो वो अपने आप ना करें तो वो भी आप कर सकते हो, रेयर फॉग लाइट भी आप इसमें ऑन कर सकते हो, ठीक है जी। और बात करें अब अंदर चल के, और यहाँ पर आपको इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिल जाता है, की बात करें जो कि आपको कंपनी देती है, हर गाड़ी के साथ कंपनी देती है, तो यहाँ पर आपको इसकी कुछ ऐसी की मिल जाती है, सेम सुपर में भी ऐसी दी थी। अब एक चीज़ बताऊँ, या थोड़ा आपने ऑक्टाविया की मैंने एक रील में चाबी देखी, अगर आपने नहीं देखी तो मैं एक बार उसका लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई, उसकी चाबी देखो और इसकी चाबी देखो यार, मतलब कि ना, मतलब मैं एक चीज़ कहूँगा उसको डो को रही है चाबी ना थोड़ी और इम्प्रूव हो सकती है, हालांकि कोई बुरी नहीं है भी, ज़्यादा बुरी नहीं, लेकिन अरे थोड़ी और बेटर हो सकती है। और टाइप जैसे चाबी दे रहे थोड़ी सारी एक सही चीज़ होती है, कि मैं कस्टमर फीडबैक भी सुना यार, थोड़ी ना सही चीज़ नहीं लगी है। और यहाँ पर आपको इसमें क्रोम मिल जाता है, यहाँ पर आपको स्कोडा का लोगो मिल जाता है, और यहाँ पर भी आपको क्रोम मिल जाता है, इसमें आपको लॉक अनलॉक और बूट खोलने का भी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। चाबी के एक और फीचर की बात कर लेते हैं, तो अगर बात करें तो भाई अगर सपोज करो मैंने कार लॉक कर दी, एक सेकेंड, ठीक है जी, गाड़ी लॉक हो गई, तो जो फोक्सवैगन और स्कोडा की सारी गाड़ी में जो पहले फीचर आता था, तो जैसे अब सपोज करो मैं इसको मैं गाड़ी को अनलॉक करता हूँ, ठीक है, गाड़ी अनलॉक हो गई, आप देख सकते हो और भी हम इसके खुल गए। अब मैं आपको एक बार इसके चाबी सब शीशे ऊपर नीचे कर सकते हो, तो ये देखो भाई सारे के सारे शीशे नीचे हो जाते हैं, थोड़ी सी ना आपकी सनरूफ भी खुल जाती है, आप जैसे देख सकते हो, ताकि क्रॉस वेंटिलेशन वगैरह प्रॉपर हो सके, और इसी से आप चाबी से ना शीशे को उठा भी सकते हो, तो उठाने वाला फीचर मेरे को थोड़ा प्रैक्टिकल ज़्यादा लगा। सपोज करो आप दूर हो गाड़ी से, आपको वहम हो जाता है कोई शीशा ना खोलो, तब ऐसे इसको ऐसे कर सकते हो, तो भी ये चीज़ होगा। आपको इस कार में आपको पैसिव एंट्री भी मिल जाती है, अगर आप चाबी के साथ इसमें हाथ डालोगे आपकी कार ऑटोमेटिकली अनलॉक भी हो जाएगी, आप जैसे देख सकते हो भाई, फीचर पहले काम नहीं कर रहा था, अब करने लग गया, गाड़ी भी थोड़ी नटखट है ये, ठीक है जी। और अगर बात करें अंदर चल के, तो भाई फाइनली अब मैं आपको अंदर का दर्शन करा देता हूँ।
चाबी मैंने आपको दिखा दी, बाहर की सारी चीजें दिखा दी, थर्ड रो भी आपको दिखा दी, सेकंड रो भी दिखा दी भाई। मेन तो बिजनेस एंड यही है। और यार इसका इंटीरियर देखो, मतलब रेंज रोवर जैसा भाई बड़ा अच्छा सा खासा फील होता है। अगर बात करें सेंटर कंसोल के, कुछ ऐसा एसी वेंट्स का डिजाइन मिल जाता है यहाँ पर आपको, इसमें कुछ ऐसे टच स्क्रीन मिल जाती जो कि अगेन आपकी सुपर में भी आती थी, ऑक्टावियो में भी आती थी। और एक चीज तो जो यूआई वगैरह ना बहुत ज्यादा स्लाविया से सिमिलर है भाई, कोई बुरी चीज नहीं आपको। एक चीज तो आप यूरोप भी ले लोगे ना, सब जगह ये सेम स्क्रीन आती है। एक चीज स्क्रीन भी कोई बुरी नहीं है, बढ़िया स्क्रीन आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आपको वेलकम टू स्कोडा साउंड बैक कैंटीन की, यहाँ पर आपको सब कुछ लिखा जाता है। स्क्रीन कोई बुरी नहीं है, मैंने अभी यूज करके देखी इसका यूआई वगैरह। एक चीज तो बड़ा अच्छा खासा लगा, जो हमारी फोक्सवैगन की है, आपने टिगवान की मेरी वीडियो देखी होगी ना, तो बहुत ज्यादा उससे यूआई बहुत ज्यादा सिमिलर है, कोई बुरा यूआई नहीं है। यहाँ पर आपको इसमें व्हीकल इन्फो दिखा रहा है कि सिंस रिफ्यूल, सिंस स्टार्ट, लॉन्ग टर्म, ये सब आप सारी की सारी चीजें देख सकते हैं। सिलेक्शन में आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं आपका वर्चुअल कॉकपिट, जो वर्चुअल कॉकपिट इन द सेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को भी कंट्रोल कर सकते हो आप। इसमें व्यूज भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि अपने आप ही सेट कर ले, एक क्लासिक व्यू आ जाता है। क्लासिक व्यू में क्या आपका गियर इंडिकेटर दिखाएगा और आपकी स्पीड दिखाता रहेगा, मतलब आपका गियर मोड कौन सा वो सब आपको दिखाता रहेगा। फिर आपका एक व्यू वन आ जाता है, व्यू वन में आपका एक तो फ्यूल एफिशिएंसी दिखा रहा है और रेंज आपको दिखा रहा है, ठीक है जी। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं सब हो रहा है। व्यू टू की बात करें, व्यू टू में यहाँ पर आपको डिस्टेंस कवर, ड्राइविंग टाइम, ये सब आपको दिखा रहा है। सेम चीज़ यहीं पर भी आपको दिखा रहा है, मतलब ना इसको कंट्रोल करने के लिए चीज़ है भाई, टच स्क्रीन बहुत फंक्शनल है। फिर आपका डेस्टिनेशन इन्फॉर्मेशन, मतलब नेविगेशन के रिलेटेड एक चीज़ है। कार की बैटरी थोड़ी सी लोअर, अगर आप गाड़ी बंद कर दोगे तो आपको ऐसे कुछ ऐसा एनिमेशन सा आता है। कार की थोड़ी सी बैटरी लोअर उस वजह से थोड़ी सी तंग करेगी, मेरे को कर रही है, आपको नहीं करेगी क्योंकि आप गाड़ी के मालिक हो चुके हो। स्पीड वार्निंग आप उसमें एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है, विंटर टायर्स के लिए। जैसे गाड़ी है यूरोप में ना, विंटर टायर्स पर अगर 30 की स्पीड क्रॉस करते हो तो आप वो कर सकते हो। लाइट्स को आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि जो कहते हैं ना कि जैसे थोड़ी लाइट कम हो जाती है, कहते हैं तो प्लीज स्विच ऑन द लाइट्स, वो आप कर सकते हो। मतलब ऑटोमेटिक जो इसकी लाइट्स हैं, आप चाहते हो रेन में ऑन हो जाए तो वो आप कर सकते हो। कन्वेंस टर्न सिग्नल ये क्या है मेरे को आज तक पता नहीं चला। इंस्ट्रूमेंट लाइटिंग के रिलेटेड कुछ आप इसके ना ब्राइटनेस वगैरह आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो। अब ये देखो भाई, इसकी ब्राइटनेस आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, मैक्स पे कर सकते हो। आपको बिल्कुल कम करनी है वो भी कर सकते हो, अगर आपको रात में चलाने में दिक्कत हो रही है। अगर आप दिन में चला रहे हो आपको नहीं दिख रही स्क्रीन, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मेरा जो वाइपर्स को कंट्रोल कर सकते हो, बैकग्राउंड लाइटिंग, तो आप ये देखो बैकग्राउंड लाइटिंग ये रही है मेरे को अब जाके मिली मैनुअल में। इसके कलर भी आप चेंज कर सकते हो, आप देख सकते हो भाई। यहाँ पर आपको इसकी एम्बिएंट मिलती है, आप देख सकते हो। तो बैटरी हो सकता है थोड़ी वीक हो, एक सेकंड। सेलेक्ट एरिया, तो भाई सेलेक्ट एरिया यहाँ का एकदम फुल कर देते हैं, दिख नहीं रही, हो सकता बैटरी लो होगी उस वजह से नहीं दिख रही होगी। तो यहाँ सब कलर वगैरह इसमें ना सारी सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। अगेन कार की बैटरी लो है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, ठीक है जी। और सेटिंग्स में बात करें तो इसमें आपको ओपनिंग क्लोजिंग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये सब आपको मिल गया, डेट एंड टाइम। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या है, आप ये सब चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, कब आपको देखना क्या क्या है। आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देखनी तो आप डीसेलेक्ट भी कर सकते हो। सर्विस के रिलेटेड इसमें आपको चीज़ें मिल जाती है, यूनिट्स वगैरह आपको मिल जाती है कि आपकी सर्विस ड्यू है या नहीं, वो आप चीज़ें चेक कर सकते हो। शॉर्टकट के बटन कुछ मिल जाते हैं और यहाँ पर भी आपको शॉर्टकट बटन मिल जाते हैं। अगर ऐप में चले तो ऐप में दिखाएगा प्लीज सेलेक्टेड टेक्नोलॉजी, कार के रिलेटेड यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन। मेन मेन्यू में जाओगे तो ये सब आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपका रेडियो हो गया, टेलीफोन, नेविगेशन, असिस्टेंस, ये सब आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें आपको एयरकॉन के रिलेटेड भी कुछ चीज़ें मिल जाती है, आप जैसे देख सकते हो यहाँ से आप रेयर का सेलेक्ट कर सकते हो, एयर केयर, ये सब आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाती है। ऑटोमेटिक एयर री सर्कुलेशन, ये सब आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाती है। मैन्यू पर वापस चलते हैं, व्हीकल में आए तो व्हीकल में ऐसे नमगिन ये सब चीज़ें, दो शॉर्टकट बटन दे दी थोड़ी सी सही चीज़ें, ड्राइविंग में थोड़ा सही हो जाता है। ये बार बार क्यों खोल रहा हूँ मैं एयरकॉन भाई, गर्मी मेरे को पता लग रही है, लेकिन अब ये नहीं खोलना है इसको। गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सकते ना भाई, सेटिंग्स वगैरह सब ऐसे भी टच से भी कर सकते हो। आपको वॉल्यूम बढ़ाने घटाने का, ट्रैक चेंज करने का मिल जाता है भाई, बहुत सही चीज़ है यार। एक चीज़ बताऊँ, स्कोडा को भाई बहुत बड़ा थैंक यू, लव यू स्कोडा यार। ये देखो ये दे देना भाई, बहुत सही चीज़ है। ड्राइविंग का ना सबसे कम डिस्ट्रैक्ट यही करता है भाई, स्कोडा ने बहुत सही चीज़ की है। यहाँ पर आपको इसमें कुछ इसके एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं, मैं इसमें आपको बताया इसमें आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, ट्राइजोन एक, तो जी इसमें ट्राइजोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। ट्राइजोन कैसे, आप पीछे के पैसेंजर्स का लग टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो, ड्राइवर अपने लिए अलग एडजस्ट कर सकता है, को ड्राइवर अपने लिए अलग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसमें मोड चेंज करने के लिए कुछ ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जैसे देख सकते हो बढ़ाने घटाने के लिए। और यहाँ पर आपको डिस्प्ले वगैरह में भी इन्फॉर्मेशन देता रहता है, यहाँ पर आपके टेम्परेचर वगैरह की ये सब आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह देता रहेगा। अगर ये फैन स्पीड की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। रीसेट करना चाहते हो, सिंक करना चाहते हो, मतलब चाहते हो कि दोनों को साथ में चले तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऑटो स्टार्ट सब सिस्टम को अगर आपको ऑफ करना है तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको इसमें पार्क असिस्ट भी मिल जाता है। पार्क असिस्ट से क्या होता है कि अगर आपको सपोज कर पैरेलल पार्किंग में दिक्कत हो रही है, आप चाहते हो गाड़ी अपने आप ही लग जाए, तो गाड़ी अपने आपको खुद को पार्क भी कर लेगी। गाड़ी भाई बहुत समझदारी खुद को कर लेगी। यहाँ से अपना एक तो डीआरएम वाला फीचर आपको इसमें मिल जाता है,
आप बिना रिवर्स गियर एंगेज किए हुए आप इसको आपके रिवर्स पार्किंग कैमरे पे एक्सेस कर सकते हो। कैमरे की क्वालिटी की बात करें तो मैं कहूँगा डिसेंट क्वालिटी का, थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता है अगर इस प्राइस को मद्देनजर में रखते हुए देखूँ। और यहाँ पर आपको इसमें रिवर्स सेंसर की मदद से डिस्प्ले में भी दिखाता रहता है, ये आपको थोड़ा ऊपर का व्यू दिखा रहा है, मतलब जैसे एकदम टॉप व्यू वाला दिखा रहा है कैमरे का। यहाँ पर आपको इसमें रिवर्स पार्किंग सेंसर ब्राइटनेस वगैरह भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, आप जैसे देख सकते हो इसकी ब्राइटनेस वगैरह सब आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। और अगर बात करें तो भाई ये होगी कैमरे की क्वालिटी की बात होगी, बात करें इधर की तो भाई यहाँ पर आपने छोटी मोटी चीज़ें फ़ोन वगैरह कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ रख सकती है। पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट आपको एक मिलता है भाई, अच्छा खासा मिलता है, कोई लेदर फिनिश नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको प्लास्टिक ट्रीटमेंट मिलता है। यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, देख सकते हो मेरा हाथ आर पार भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको उसको कुछ ऐसा 7-speed DQ 381 गेयरबॉक्स मिल जाता है, जो कि भाई बहुत वेट क्लच है। और एक चीज़ बताऊँ, मैं DQ 200 चला है भाई, वही इतना प्यारा है, मैंने हालांकि ये भी वाला भी चला है भाई, बहुत प्यारा गेयरबॉक्स है, कोई इसमें इशू की कोई कोई वो इसमें लैग वगैरह फील नहीं होता, भाई बहुत सही गेयरबॉक्स आपको ये मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ी सी क्रोम फिनिश भी मिल जाती है, यहाँ पर आपको इसमें पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट भी मिलता है जैसे देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का एक फिजिकल बटन भी देते हैं, थोड़ी सी एक सही चीज़ है, क्योंकि यार एक चीज़ होता है ये थोड़ा सही चीज़ होती है कि आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना आप स्क्रीन से करोगे भाई बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन आपको गाड़ी का मजे लेना भाई टाइम नहीं आपके पास, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ किया बूम कर लिया गाड़ी में वो भी लॉन्च। ऐसा अपना इसको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको एक मिल जाती है, ऑटो होल्ड का भी फंक्शन मिल जाता है। ऑटो होल्ड में क्या होता है, सपोज करो आप रेड लाइट पे खड़े हो भाई, पैर ब्रेक पे पैर रख रख के दर्द हो गया, आप चाहते हो कि भाई ब्रेक में छोड़ दूँ और डी में भी रहे गाड़ी और मैं गाड़ी आगे भी ना पड़े, तो उसमें आपको ऑटो होल्ड का फंक्शन मिल जाता है। यहाँ पर यहाँ से अपना ड्राइव मोड भी चेंज कर सकते हो, ड्राइव मोड में मेन बात है यहाँ पर डायनेमिक चेसी कंट्रोल की, डायनेमिक चेसी अब मैंने यहाँ पर बात आती है डायनेमिक चेसी कंट्रोल की, जो डायनेमिक चेसी कंट्रोल में आपको बता रहे थे क्या है वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं ड्राइव मोड आपको दबाऊंगा, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पर आपको इंडिविजुअल मिल जाता है, स्नो मोड आपको एक मिल जाता है, एक इको मोड आपको मिल जाता है अगर आपको आपका तेल बचाना है, और यहाँ पर आपको एक नॉर्मल स्पोर्ट मोड, ये सब आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाती है अगर आप ये सब सेलेक्ट कर सकते हो। अगर इंडिविजुअल में देखिए चेंज में स्टेयरिंग आपको नॉर्मल वगैरह ये सब आपको हो जाएगा। अब डायनेमिक चेसी कंट्रोल में क्या होता है, आपके ड्राइव मोड के हिसाब से ये गाड़ी अपने स्टेयरिंग को एडजस्ट कर लेगी, अपने इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल डैम्पर्स को भी उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेगी। सपोज कर आप स्पोर्ट मोड में, आपका स्टेयरिंग भारी हो जाएगा, आपके सस्पेंशन स्टिफ हो जाएंगे। अगर आप इको मोड में हो तो आपके सस्पेंशन क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएंगे, आपको स्टेयरिंग भी अच्छा खासा लाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये गाड़ी समझ जाएगी आप भगाने के मोड में नहीं हो, आप हाइपर वाइलिंग मोड में, तो आप वो गाड़ी आप अपने हिसाब से अपना आराम से एडजस्ट कर लेती है, ठीक है जी। और अगर बात करें नॉर्मल की, तो सब कुछ नॉर्मल रहेगा, ऐसा कुछ कोई नहीं रहता। अगर आप गाड़ी बंद कर दोगे तो आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन में ऑप्शन आता रहता है, इसको बंद कर देते हैं। और अगर बात करें तो यहाँ पर आपको छोटी मोटी चीज़ रखने का स्पेस मिल जाता है, और यहाँ पर आपको इसमें कुछ ऐसे इसका आर्मरेस्ट भी मिल जाता है जो कि स्लाइडेबल है। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन स्कोडा ने दी इट्स अ वेरी नाइस टच, लेदर फिनिश मिलता है, लेदर क्वालिटी की बात करें अच्छी खासी लेदर क्वालिटी आपको इसमें मिल जाती है। कुछ ऐसे कप होल्डर्स भी आपको मिल जाता है, अगर आपको चाय कॉफी वगैरह कुछ रखना हो सब आप रख सकते हो, ठीक है जी। कॉफी पीने का मैं शौकीन हूँ, तो अगर आप भी कॉफी पीने का शौकीन है तो स्कोडा ने उस चीज़ का आपको ध्यान रखा है। यहाँ पर आपको कुछ ऐसी कार्बन फाइबर जैसी फिनिश मिल जाती है, जो कि अगर बात करें कोपा एसिड, और यहाँ पर आपको इसमें एक लेदर फिनिश भी मिल जाती है, जो कि एक चीज़ बताओ आपको लग रहा होगा हार्ड है, लेकिन भाई सॉफ्ट टच आप देख सकते हो, भाई सॉफ्ट टच है, ठीक है। जो लेदर स्टिचिंग भी इसमें आपको मिल जाती है, यहाँ पर आपको एक सब बूफर वगैरह इसमें आपको मिल जाता है, यहाँ पर आपको इसमें ग्लव बॉक्स भी मिल जाता है, जो कि मेरे ख्याल से कूल्ड है, हाँ जी ये देखो ये कूल्ड है, आपको इसमें कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है, लाइट नहीं मिलती, अगर लाइट मिल जाती थोड़ी सी और एक बेटर चीज़ हो जाती। और अगर बात करें और चीज़ों की, तो यहाँ पर आपको इसे ऑटो डिमिंग IRVM भी मिल जाता है, अगर पीछे से कोई हाई बीम पे आ रहा है आपकी आंखें खराब कर रहे हैं, गाड़ी आपका ध्यान रखिए भाई आपकी आंखें खराब ना, तो वो चीज़ यहाँ पर ध्यान रखी गई। यहाँ पर आपको इसमें कुछ इसकी ऐसी लाइट्स मिल जाती है, जो कि अगर आपको होती LED लाइट्स हैं, ठीक है अगर आपको देखो तो ये देखो भाई LED लाइट्स आपको मिल जाती है, अभी ऑन नहीं हो रही मेरे ख्याल से, बैटरी लो है ना उस वजह से, ये देखो ऑन हो गई लाइट, ऑन हो गई रियर के लिए, अगर आप यहाँ से रियर की लाइट ऑन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, देखो सारी के सारे रियर की लाइट्स ऑन हो गई होंगी, ठीक है जी। और अगर बात करें और चीज़ों की, तो भाई यहाँ से यहाँ पर आपको इसमें सनरूफ के कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं, आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर आपको इसमें पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाते हैं आपको इस कार में। तो भाई बात हो गई, और यहाँ पर आपको इसमें वैनिटी मिरर भी मिल जाती है, इसमें आपको एक लाइट भी मिल जाती है को पैसेंजर के, तो आपकी वाइफ वगैरह गर्लफ्रेंड वगैरह के लिए बहुत सही चीज़ है। और यहाँ पर आपको अगेन ड्राइवर के लिए भी एक वैनिटी मिरर अलॉन्ग विद लाइट एक शटर वाले सिस्टम भी आपको मिल जाते हैं। क्वालिटी का टेक्सचर और जो कलर यूज़ किया भाई कोई कमी नहीं है, मेरे को अच्छा खासी क्वालिटी का लगा, टेक्सचर भी बहुत अच्छा यूज़ किया गया है, ठीक है जी। और अगर बात करें तो भाई ड्राइवर साइड के, तो भाई ड्राइवर साइड ही बड़ा मेन होता है स्कोडा की गाड़ी में, मैं आपको बता चुका हूँ क्यों,
ठीक है जी। तो बात करें यहाँ पर आपको इसका एक स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है जो कि थ्री स्पोक है, अनलाइक अदर कार्स वगैरह में। बात करो आप एल एन के लोगे ना, तो एल एन के में वहाँ पर आपको इसमें टू स्पोक मिलेगा कि वो थोड़ा प्रीमियम इसकी तरफ इंक्लाइंड है। लेकिन अगर स्पोर्ट लाइन की बात करें तो स्पोर्टीनेस एनहांस करने के लिए उन्होंने स्कोडा ने एक डी कट स्टेयरिंग व्हील ले लिया और थ्री स्पोक दी। और एक चीज बताओ, थोड़ी सी स्पोर्टी फील भी इसमें आपको आ रही है। ये सुपर स्पोर्ट लाइन में भी आते थे, और अगर बात करें रैपिड वगैरह इन सब में भी आपको पहले ऐसे स्टेयरिंग व्हील मिलता था, मतलब रैपिड में एक्जैक्टली सेम नहीं मिलता, मतलब सिमिलर बहुत ज्यादा उससे मिलता था। यहाँ पर आपको इसके वॉल्यूम बढ़ाने घटाने के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, सब वॉल्यूम बड़ा घटा सकते हो, ट्रैक चेंज कर सकते हो, स्कोडा का एक लोगो मिल जाता है, एयरबैग की बैजिंग भी आपको एक मिल जाती है, एक एयरबैग की बैजिंग आपको इधर भी मिल जाती है। अगर बात करें सेफ्टी की, सेफ्टी में कोई कमी नहीं, सेवन एयरबैग्स, एबीएस, ईबीडी, डायनेमिक सीसी कंट्रोल, हाइड्रोलिक ब्रेक बूस्ट, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, सारे के सारे सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाते हैं। अगर बात करें बिल्ड क्वालिटी के, तो भाई ये लोगो ही बिल्ड क्वालिटी के लिए जाना जाता है, आपको सेफ्टी में से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलता आपको इस कार में। अगर बात करें रैप की, तो इसमें आपको स्टेयरिंग रैप भी मिल जाता है इसमें आपको, लेकिन व्हाइट स्टिचिंग मिलती है। छोटा सा सजेशन अगेंस्ट स्कोडा को, अरे रेड होता तो थोड़ी सी एक बेटर चीज होती, थोड़ी ना स्पोर्टीनेस की फील और आती है इसमें। और एक चीज तो ये ऐसा कार्बन फाइबर जैसे लग रहा है, तो आपको कार्बन फाइबर अगर स्टेयरिंग व्हील कराना उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। अगर आपको शौक है तो आप बिल्कुल करा सकते हो, ये ना स्पोर्टीनेस थोड़ी और एनहांस कर रहा है। यहाँ पर आपको इसमें इसके वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं, सॉरी ये आपको इंडिकेटर के लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको इसमें सॉरी यहाँ पर आपको इसका एक वाइपर का एक कंट्रोल मिलता है, यहाँ पर आपको इसमें पेडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं, अगर आपको डीएसजी गियरबॉक्स के थोड़े से मजे लेने उसके लिए आपको मिल जाता है। और बात करें तो भाई यहाँ पर आपको इसके एमआईडी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, आप जैसे देख सकते हो। अगर बात करें तो भाई यहाँ पर आपको सबसे पहले इसमें आपको तीन व्यूज मिलते हैं, अगर व्यूज की बात करें, एक सेकंड, बैटरी इज लो, तो जी यहाँ से आप इसके एमआईडी के कंट्रोल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप व्यू चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको बताते एक तो सबसे पहले एक ऐसा व्यू, दूसरा आपको एक ऐसा व्यू मिल जाता है जिसमें आपको एक टाकोमीटर एनालॉग कम डिजिटली मिल जाता है, और यहाँ पर आपको एक स्पीडोमीटर मिल जाता है जो कि आपका अलग एनालॉग और डिजिटली आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको यहाँ से आप स्क्रीन से सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन सा क्या चीज़ें दिखनी है। यहाँ पर आपको रेंज दिखा रहे हैं, यहाँ पर आपको स्पीड दिखा रहा है, यहाँ पर आपको गियर मोड दिखा रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि आपके सारे के सारे पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट लगाई है यानी अगर वो बैठे हैं तो भाई ये देखो ये बढ़िया सही चीज़ है। यहाँ पर आपको एक छोटी सी कोडियाक बनी हुई दिख रही है और एक रेंज आपको दिखा रहा है, बंद होने वाली एक एनिमेशन इधर आ गई क्योंकि गाड़ी की स्क्रीन बंद हो गई थी। प्लीज स्विच ऑन द लाइट कह रहा है, लेकिन मैं लाइट्स ऑन नहीं करूँगा, चलो ऑटो पे कर देता हूँ। ओके जी, ओके, थैंक यू, ले भाई कर दिया लाइट ऑन। ये गाड़ी लाइट ऑन कराए बिना ना मानती नहीं, और यहाँ पर आपको ये सब और भी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है, और ये सब आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाती है। आपका इंजन टेम्परेचर गॉज मिल जाता है, और यहाँ पर आपको इसका फ्यूल गेज भी मिल जाता है जो कि आपको दिखा रहा है आपकी कार में फ्यूल वगैरह कितना, और यहाँ पर आपको इसका एक ओडोमीटर भी मिल जाता है। तो जी ये बात हो गई स्कोडा कोडियाक की, अंदर से बाहर से सब जगह से बात। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, भाई वीडियो बहुत लंबी हो गई। अगर ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अभी खैर एंड करूँगा। बात करते हैं कंक्लूजन की, अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए जो कि आपको एक फीचर रिच कार चाहिए, आपको परफॉर्मेंस की कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, आपको ये चार्जर वगैरह आपको ये अच्छा खासा बिल्ड यू लाइक क्वालिटी क्वालिटी से आपको बहुत ज़्यादा प्यार है, ड्राइविंग प्लेजर से आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, एक अच्छा खासा फोर व्हील ड्राइव सिस्टम चाहिए जो कि क्वार्टर से डिराइव है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो 4x4 सिस्टम है क्वार्टर से डिराइव है, जैसे कि फोक्सवैगन को जो फोर मोशन है ना सेम उसी की तरह, ये भी उसी की तरह डिराइव है भाई, कोई कमी नहीं, आप इसमें बिल्कुल जा सकते हो, ठीक है जी। और आपको एक फैमिली के लिए कार चाहिए भाई, बिल्कुल जा सकते हैं, अगर आपका इतना बजट है तो भाई बिल्कुल जा सकते हैं, मेरे को कोई कमी नहीं लगी। हालांकि अगर आप, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, अगर आपको थोड़ी प्रीमियमनेस चाहिए ना आप इसका एल एन के ले लें, लेकिन अगर आपको प्रीमियमनेस के साथ थोड़ी सी स्पोर्टीनेस चाहिए तो मैं तो कहूँगा मेरी तरफ से रिकमेंडेड स्पोर्ट लाइन है। और भी मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर मैं भी कभी कोडियाक लूँगा, अगर भगवान की कृपा से कभी लूँगा भाई, मैं तो स्पोर्ट लाइन ही लूँगा। तो इसका इस वीडियो को एंड कर दे, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगी इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसी और वीडियोज़ के लिए। ठीक है जी, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।